पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। चौधरी बद्रुद्दीन जी नदबर जी का निधन 4 दिन पहले हुआ और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ मांगता हूँ कि अपने चरणों में स्थान बख्शे, परिवार को ताकत दे और नासिर और वकील साहब दोनों मिलकर सामाजिक तौर पर जो चौधरी बद्रुद्दीन जी ने समाज सेवा में अपने आप को 24 घंटे समर्पित रखा, उसी प्रकार से उनके बच्चनों पर चलकर समाज सेवा में के साथ चर्चा हुई है। आगामी 42 दिन के अंदर संगठन को कैसे मजबूती से आगे लेकर चलना और मेवात की तीनों सीटें कैसे जीती जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है। और मैं मानता हूँ मजबूती के साथ मेवात जिले में जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाएगी भी और पहले की तरह चौधरी देवीलाल जी का साथ मेवात जिला देने का भी। चुनावी बुलबुल बन चुका है, किस तरह की तैयारी है पार्टी की? पूरी तैयारी है, 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। ये तो पहले भी गए हुए लोग थे, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। और तो और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने भी ज़िंदगी में बहुत लोगों को अच्छे पायदान पर पहुँचाया और बहुत लोग उनको छोड़कर गए, मगर वो मायूस नहीं हुए। हमें भी एक ही दिशा है कि और मेहनत करेंगे, नए साथियों को अवसर देंगे और नए साथियों को भी इसी मुकाम पर लाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा रहेगी और जननायक जनता पार्टी की चाबी ही विधानसभा।